नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे महोबा में नकली नोटों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा है। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप प्रतिदिन बुंदेलखंड की खबरों के लिए हमारे खास कार्यक्रम बुंदेलखंड समाचार से प्रतिदिन सुबह 6 बजे जुड़ सकते हैं। महोबा में स्थानीय पुलिस और स्वाट टीम ने 15 लाख रुपए से अधिक के नकली नोटों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से पुलिस ने नोट छापने का प्रिंटर, पेपर, इंक और 3 मोबाइल और एक बाइक बरामद की है। इस शातिर अभियुक्त का नाम अंकुर कुमार बिंद है, जो गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद के ग्राम फाटा का रहने वाला है। अंकुर ने यूट्यूब से नकली नोट छापने का तरीका सीखा और फिर महोबा शहर के लौड़ी तगेला इलाके में किराए के मकान में इस कार्य को अंजाम देने लगा। अंकुर ने घर पर ही 1 महीने में 15,61,800 रुपए के नकली नोट छापे। 500 के 983, 200 के 4,506 और 100 रुपए के 1,691 नोट छाप डाले। जनपद की स्वाट टीम को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि महोबा में नकली नोट का काला कारोबार चल रहा है। पुलिस ने नाकाबंदी कर दी और स्थानीय पनवाड़ी पुलिस के साथ चेकिंग के दौरान अपाचे बाइक से निकले उक्त युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में जब पुलिस ने उसके ठिकाने में छापेमारी की, तो पुलिस हैरत में पड़ गई। 15 लाख से अधिक के नकली नोट के अलावा प्रिंटर, पेपर, इंक और 3 मोबाइल भी बरामद हुए। पकड़ा गया अभियुक्त नकली नोट बनाने का कारोबार कर रहा था। 1 माह में उसने बड़ी मात्रा में नोट छापे थे। निवासी ग्राम फाटा, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश को हिरासत में लिया गया, जिसके पास से 100, 200, 500 के नकली नोट, जो कि 15 लाख रुपए के करीब, और एक नकली नोट बनाने के लिए प्रिंटर, इंक एवं 3 मोबाइल और एक अपाचे मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने अभी 1 महीने से जो असली नोटों को जीरोक्स करके नकली नोट बनाकर भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करता था, और उसने ये भी बताया कि वह यूट्यूब के माध्यम से नकली नोट बनाना सीखा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना पनवाड़ी में मुकदमा अपराध संख्या 123/24, धारा 420, 489A, 489B, 489C, 489D, 489E IPC में पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। तो दोस्तों, यह थी महोबा में नकली नोटों के जखीरा पकड़े जाने की कहानी। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। देखते रहिए हमारे चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ।